हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो एज पर पीसीएस सिलेबस बी फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है एच वन दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो उसका ये फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है इसमें हम पूरा एज पर पीसीएस सिलेबस एच का सिलेबस कवर करने वाले हैं तो सबसे फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं तो ये सिलेबस है यूनिट वन का अगर आपने भी देखा होगा तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है तो सबसे पहले जब सिलेबस के जो सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी तो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में ही हमने स्टडी करनी है कि वॉट इज फिजियोलॉजी आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि एनाटमी क्या होती है, anatomy से आप क्या क्या समझते हैं, uh, डिफाइन करता है एंड इनके स्कोप क्या है तो इस वीडियो uh, इस वीडियो में हम कवर uh, करेंगे व्हाट इज स्कोप वॉट इज फिजियोलॉजी एंड इट्स स्कोप लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एनाटमी के बारे में सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी तो ह्यूमन तो सबको समझ में आया है, इंसान की बात हो रही है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे और ह्यूमन बॉडी में हम किस चीज की बात कर रहे हैं एनाटमी की बात कर रहे हैं एंड फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एनाटमी की जब हम बात कर रहे हैं तो वॉट इज बेसिकली एनाटमी मींस तो एनाटमी इट्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आप यहाँ पे डायग्राम एक देख रहे हैं तो डायग्राम में यहाँ पे ये लंग्स हैं लंग्स के बीच में यहाँ पे हार्ट सिचुएटेड है एंड देन लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पेनक्रियाज तो जितने भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये लंग है हमारे हार्ट uh, है पेनक्रियाज है, है, हैं लिवर हैं और बहुत सारी चीजें हमने इनकी स्टडी की हमने इनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी की तभी हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन कौन सा ऑर्गन है अगर मैं आपको किसी कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो जब हमने स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी करी थी बेसिकली दैट

And many more things. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की specific बात हो रही है कि अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं या फिर लंग्स के लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसकी स्टडी हमने की बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारी बॉडी में बोन्स हैं हमारी पूरी बॉडी स्केलेटर सिस्टम है हमारा दैट कंटेन्स डिट बोन्स तो डिफरेंट बोन्स हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की बोन होती हैं इफ्ट डिपेंडिंग ऑन देअ साइज़ साइज़ डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर तो जब हम uh, की बारे में बात कर रहे हैं लॉन्ग बोन शॉर्ट बोन तो ये सारे के स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हमने स्टडी की बोन्स के तो वो भी किसके अंदर आता है एनाटमी के अंदर आता है तो एनाटमी क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट की ये हमारा तो जब हम स्कोप ऑफ एनाटमी की बात करेंगे स्कोप uh, uh, में हम बात कर रहे हैं जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम बॉडी में किस चीज की स्ट्रक्चर uh, कौन से स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन एनाटमी के दो डिविजन बना दिए गए पहला है ग्रॉस एनाटमी और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी किस बेसिस पे इनका डिवीजन किया बॉडी के ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हम इजीली अपनी नेक्ड आई से देख पाते हैं उनको अलग कैटेगराइज कर दिया गया और दूसरा कंडीशन कौन सा है बॉडी के ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है जो आप इजीली नहीं देख पा रहे हो अपने नेक्ड आई से दैट विल कम अंडर माइक्रोस्कोपिक एनाटमी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में जैसे कि सेल्स हो गए टिश्यूज हो गए तो इजीली फॉर एग्जाम्पल स्किन है हमारी आउटर कवरिंग ऑफ योर बॉडी तो वो सेल्स की कवरिंग है ये बट हम सेल तो इजीली नहीं देख पा रहे ना बट सेल्स तो प्रेजेंट है वहाँ पे तो सेल्स की स्टडी करना क्यों नहीं देख पा रहे क्योंकि सेल्स का साइज इतना छोटा है कि हम अपनी आई से उनको नहीं देख सकते उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बॉडी के जिनकी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है दैट विल कम अंडर माइक्रोस्कोपिक के में और बॉडी के ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि वो थोड़े tissues, तो उनको हम कर, पाते हैं, उनकी कर पाते हैं किस चीज की स्टडी उनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी तो दैट विल कम अंडर ग्रॉस एनाटमी अब हम ग्रॉस एनाटमी की बात करें कि जब हम बॉडी के ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी स्टडी हम इजिली कर पाते हैं तो उसको भी कैटेगराइज कर दिया गया कि हम बॉडी में स्पेसिफिक कौन से स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दैट ग्रॉस एनाटॉमी का मेजर फाइव डिवीजन किया गया इन फाइव डिवीजन किस बेसिस पे है कि स्पेसिफिक कौन सी स्टेज पे स्टडी uh, हुई स्ट्रक्चर की कौन से एरिया uh, में जाके स्टडी हुई कौन से एरिया में दैट मींस कौन से स्पेसिफिक लोकेशन की स्टडी हम कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन दीज सिचुएशंस ग्रॉस एनाटॉमी के मेजर फाइव डिवीजन्स किए गए uh, इससे पहले एक बात और कि ग्रॉस एनाटॉमी इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक एनाटमी तो दो टर्म है यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक एनाटमी और दूसरा माइक्रोस्कोपिक एनाटमी ये दोनों खुद में ही क्लियर हो रहे हैं माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में कौन सा है जहां हम का यूज कर रहे हैं दूसरा ग्रॉस एनाटमी जिसको हम कह रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटमी इसमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने के लिए तो इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक एनाटमी बोला जा रहा है अब इसके फाइव डिविजन जो है ये है सरफेस एनाटमी रीजनल एनाटमी सिस्टमिक एनाटमी डेवलपमेंटल एनाटमी एंड क्लिनिकल एनाटमी अगर इन टर्म्स को ही हम देखें तो ये टर्म्स खुद में डिफाइन करते हैं कि इनका क्या मतलब है अपने नाम से ही ये अपना काम डिफाइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सरफेस एनाटमी की अगर हम बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है मींस ये किस चीज के बारे में बताता है सरफेस फॉर्म्स के बारे में बॉडी के आ, Second है रीजनल रीजनल तो एनाटॉमी में रीजनल मतलब एक स्पेसिफिक एरिया एक स्पेसिफिक रीजन बॉडी का तो जब हम स्पेसिफिक बॉडी के किसी भी एरिया में वहां के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है रीजनल एनाटमी नेक्स्ट है सिस्टमिक एनाटमी तो सिस्टमिक पहले था रीजनल एनाटमी रीजन में हम स्पेसिफिक अगर हम बात करें हार्ट हार्ट का स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं लिवर के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा स्पेसिफिक रीजन है कि हम यहाँ के एरिया की स्टडी कर रहे हैं बट अगर हम बात करें सिस्टमिक एनाटमी की तो आपने जैसे पढ़ा होगा हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल सर्क्यूलेटरी सिस्टम स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम

सबका चाहे हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें लिवर है पेनक्रियाज है गोल ब्लैडर है लार्ज इंटेस्टाइन है ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स हैं। तो जब हम ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर एरिया की स्टडी ना करते हुए स्ट्रक्चर की स्टडी ना करते हुए कि हम बस स्टमक की स्टडी कर रहे हैं लीवर की स्टडी कर रहे हैं हम ओवरऑल एक सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन इन्वॉल्व हैं उनका क्या स्ट्रक्चर्स है तो वो कहलाता है हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी मतलब हम सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एनाटमी डेवलपमेंटल भी खुद को डिफाइन कर रहा है कि डेवलप हो रहा है बॉडी का डेवलपमेंट होना ठीक है तो बॉडी का डेवलपमेंट तो हो रहा है बट किस स्टेज से हो रहा है ये डेवलपमेंट की, की तो इसमें आपने ये देखना है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है बट कौन सी स्टेज से डेवलपमेंट हो रहा है बेसिकली उस चीज पे हमने फोकस करना है इसमें तो डेवलपमेंटल एनाटमी क्या डिस्क्राइब करती है इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एंड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज एग टू मेच्योरिटी तो डेवलपमेंटल एनाटमी में हम डेवलपमेंट हुआ पहले छोटा बच्चा था धीरे 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 वो बड़ा होता गया मैच्योरिटी पे पहुंचा ठीक है है तो तो जब वो बड़ा हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं दैट उसके जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स थे उनमें भी तो चेंज आएंगे ऐसा तो नहीं था कि जैसे पहले आ, उसकी बॉडी छोटी थी तो सारे ऑर्गन छोटे थे या स्ट्रक्चर छोटे थे अगर हम हाथों की पैरों की बात करें तो छोटे थे जैसे जैसे बड़ी हुई बॉडी तो साइज भी बढ़ता गया साइज बढ़ा तो स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा तो उस स्ट्रक्चरल चेंज की स्टडी करना कि पहले कितना के पहले कैसा स्ट्रक्चर था अब कैसा स्ट्रक्चर हो गया उसकी बॉडी का तो ये सारा आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर और कौन से स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन किसने बात की है फ्रॉम दी फर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या है यहाँ पे कि फर, जब फर्टिलाइज हो फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है फ्यूजन ऑफ फीमेल फर्टिला fertilization. Fertilization तो जो इसने डेवलपमेंट की बात की है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दर्टिलाईज्ड एग की फर, जो वो सबसे इनिशियल स्टेज थी कि फर्टिलाइजेशन हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद में ही अः प्रोसेस होता है तो यहां से ही स्ट्रक्चर की स्टडी करना पहले ग्रुप ऑफ सेल्स थे क्लस्टर्स के फॉर्म में थे धीरे धीरे वो बड़े हुए तो क्या क्या चेंजेस उसमें आए स्ट्रक्चर की भी अगर हम बात करें तो क्या क्या चेंजेस उसमें आए उसकी स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं इट्स इट इट इज द एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ अर्ली डेवलपमेंट अर्ली डेवलपमेंट जब होता है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी उसके अर्ली डेवलपमेंट में स्ट्रक्चर्स में क्या-क्या चेंजेस आए दैट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी नेक्स्ट आता है क्लिनिकल एनाटॉमी तो क्लिनिकल एनाटॉमी बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि इलनेस के दौरान किसी को कुछ बीमारी हो गई बीमारी के दौरान उसके सपोज एक सपोज किसी को लिवर डिजीज कुछ हो गई तो उसका हेल्दी स्ट्रक्चर कैसे था उसके लिवर का और जब उसका लिवर डैमेज सपोज हुआ या उसको किसी भी तरीके की लिवर में बीमारी हो गई तो अब उसके लिवर के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है ये जो कंपैरिजन की स्टडी होती है ये हमारा कहलाता है क्लिनिकल एनाटमी बेसिकली हम कंपैरिजन बोले या फिर इसको कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इलनेस बीमारी के दौरान उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या-क्या चेंज आया उसकी स्टडी करना ये कहलाता है क्लिनिकल एनाटमी तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे 5 पॉइंट्स ऑफ मेजर डिवीजंस ऑफ ग्रॉस एनाटमी ग्रॉस एनाटमी में हम जो कर रहे हैं उसके यहां पे ये फाइव डिविजन के बारे में अभी हमने पढ़ा नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्लाइड में वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी अब जो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी anatomy... तो यहाँ पे ये स्लाइड है इसमें इसको बिल्कुल फ्लो चार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है ताकि आपको इजी रहे रहे लर्न करना एनाटमी स्कोप ऑफ एनाटमी जो है इसके दो डिविजन है ग्रॉस एनाटमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी ग्रॉस एनाटमी के पांच डिवीजन हो जाते हैं रीजनल एनाटमी सिस्टमिक एनाटमी डेवलपमेंटल एनाटमी क्लिनिकल एनाटमी एंड सरफेस एनाटमी जो सारा भी हमने वन बाय वन डिस्कस किया था माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में साइटोलॉजी एंड हिस्ट्रोलॉजी की स्टडी

और अब आता है फिजियोलॉजी तो फिजियोलॉजी अभी हमने एनाटमी में देखा कि एनाटमी की क्या डेफिनेशन है और उसके स्कोप क्या क्या है एनाटमी की एनाटमी की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेरियस बॉडी कंडीशन वेरियस बॉडी पार्ट्स एनाटमी का डिवीजन जो हुआ अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजी की वॉट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी तो जब हमने में में स्ट्रक्चर के बारे स्टडी की सपोज हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की, की तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उस हार्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं तो बेसिकली फंक्शंस की जब हम स्टडी करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी यहाँ पे आप देखो कि ये जो डिफरेंट पार्ट इसने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं किडनी हो गया हार्ट हो गया इन सबके फंक्शंस की स्टडी करना फंक्शंस की जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी एग्जाम्पल में यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि फंक्शन फॉर एग्जाम्पल वी आर द फंक्शंस ऑफ स्किन स्किन के फंक्शन स्किन हमें हमें तो हमें ये पता है स्किन हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है बट और इसके क्या फंक्शन है आउटर कवरिंग तो ये है बट इसके फंक्शन क्या क्या है स्किन के तो बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करना विटामिन डी का फॉर्मेशन करवाने में ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्न इनवायरमेंट तो इसी तरह और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्किन के तो जितने भी फंक्शंस की हम स्टडी कर रहे हैं स्किन की हार्ट के फंक्शंस की स्टडी करना बोन्स के फंक्शंस की स्टडी करना लाइक वाइज और भी बहुत सारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस की जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी नेक्स्ट है इसका स्कोप जी का जैसे अभी हमने अनाटमी के स्कोप के बारे में स्टडी की सेम वैसे ही फिजियोलॉजी का क्या क्या है? स्कोप है तो जब हमने एनाटमी में साइटोलॉजी हमने बोला कि सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना दैट इज नोन एज साइटोलॉजी सेम वैसे ही यहाँ पे जब हम सेल के फंक्शंस के तो पे हमने रीजनल एनाटमी हम के के, के तो था तो सेम ऐसे ही वहाँ के स्पेसिफिक uh, किसी भी टारगेट ऑर्गन के फंक्शंस की स्टडी फंक्शंस की स्टडी करना हम उसको क्या बोल रहे हैं तो इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजी का भी फोर बेसिक डिविजन नाई गए सबसे पहला है सेल फिजियोलॉजी तो सेल फिजियोलॉजी भी क्लियर कर रहा है खुद को फिजियोलॉजी का मतलब अभी आपको पता चला कि जब हम फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं किसके फंक्शंस की स्टडी सेल्स के फंक्शंस की स्टडी करना वो कहलाता है सेल फिजियोलॉजी नेक्स्ट है स्पेशल फिजियोलॉजी स्पेशल का मतलब आपने यहां पे समझा स्पेशल का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक organ तो स्पेसिफिक ऑर्गन के फंक्शन की स्टडी करना अगर मैं आपसे बोलूं कि लंग्स के क्या फंक्शन होते हैं आप ये स्टडी करो या हमारे बोन्स के क्या फंक्शन होते हैं आप ये स्टडी करो फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तो दैट इज नोन एज स्पेशल फिजियोलॉजी नेक्स्ट आता है सिस्टमिक फिजियोलॉजी तो सिस्टमिक भी डिफाइन कर रहा है खुद को कि बॉडी के किसी भी सिस्टम के फंक्शंस की स्टडी करना सिस्टम के फंक्शन की स्टडी करना वो कहलाता है हमारा सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं आप इस चीज की स्टडी करो या सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं आप इस चीज की स्टडी करो तो वो हमारा कहलाता है सिस्टमिक फिजियोलॉजी स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में स्टडी करना नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी फंक्शन की तो स्टडी हम कर रहे हैं पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल का मतलब क्या है किसी भी पैथोजन की वजह से फंक्शन में क्या चेंज आए जैसे कि मैंने आपको भी एनाटमी में एनाटमी में, में एक एग्जांपल दिया था कि सपोज किसी का लिवर डैमेज हो गया तो उसमें हम स्टडी का इलनेस में हम क्लिनिकल एनाटमी में हमने स्टडी की कि जब वो हेल्दी था उसका लिवर तब उसका स्ट्रक्चर कैसा था और जब उसको कोई बीमारी हो गई तो अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है तो वो कंपेरिजन करना है स्ट्रक्चर की वो हमारा क्लिनिकल एनाटमी कहला रहा था अब यहाँ पे पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी uh, में आएगा किसी भी पैथोजन की वजह से किसी भी uh,

तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो ये इसी वीडियो में कवर होता बट वीडियो लेंदी होने की वजह से ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग